इधर देखेंगे मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, बेसिकली टू मॉडल यहाँ पे आपके इसमें सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से। तो द फर्स्ट फर्स्ट वन इज़ द हिल्डा चाबा मॉडल और टायलर मॉडल, ठीक है, दो मॉडल यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो हम इनकी डिटेल देख लेते हैं ये किस तरह से हैं। अब टाबाज मॉडल जो है उसे हम कहते हैं ग्रास रूट्स रैशनल, ठीक है। हिल्डा टाबा फॉलोड द ग्रास रूट अप्रोच इन डेवलपिंग करिकुलम, उसने ग्रास रूट अप्रोच मतलब वो शुरू की थी, उसने फॉलो की, मतलब कि वो इसका फोकस इस बात पे था कि जो हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द नीड, कि ज़रूरत क्या है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उन चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो मीन्स के फिर उसने ग्रास रूट सिलेक्शन जो है उसको फोकस किया था। शी बिलीव्ड इन एन इंडक्टिव अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, और इसमें उसका फोकस इंडक्टिव अप्रोच पे था। फॉर हर इट शुड बी द टीचर्स हु डिज़ाइन द करिकुलम रादर देन द हायर अथॉरिटीज़। अब उसने कहा कि वैसे तो ये होता था ना कि अथॉरिटीज़ बना लेते हैं करिकुलम, लेकिन जो हमारा मतलब कि ये हिल्डा टाबा जैसे थी ना, उन्होंने ये कहा था कि टीचर्स जो हैं दैट इज़ द बेस्ट पर्सन्स जो करिकुलम डिज़ाइनिंग में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, वो उन्हें बनाना चाहिए बजाय से कि वो अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाए। अब टीचर्स को क्यों बनाना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि टीचर्स ही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स सामने आ रहे होते हैं, जो भी हर्डल सामने आ रही होती हैं, वो सब के सब टीचर्स फेस कर रहे होते हैं, और उन्हें ज़्यादा पता होता है कि हम किस तरह से इसमें चेंजिंग ला सकते हैं और किस तरह से इसको बेहतर बना सकते हैं। इसके बेसिकली सेवन स्टेप्स हैं, सेवन मेजर स्टेप्स हैं जो कि टीचर वुड हैव मेजर इनपुट। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है इसका वो है डायग्नोज ऑफ नीड्स। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि उसने कहा कि नीड्स को देखें, हमारी नीड्स क्या, हम क्यों करिकुलम बनाना चाह रहे हैं। दूसरी बात पर उन्होंने कहा कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आप नीड को पहले आइडेंटिफाई कर लें, देन आप अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं फॉर्मुलेट करें कि हमारा पर्पज़ क्या है, हम किस मकसद के लिए बना रहे हैं। पहले तो लैकिंग देख ली ना, कमी क्या थी, उसके बाद अपना मकसद सेट कर लिया। देन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, उस मकसद के अकॉर्डिंग आपने कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया। दिस इज दीज आर द थ्री पॉइंट्स उसके हैं, आगे बाकी हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इनको एलैबोरेट कर लेते हैं। द टीचर, टीचर को वो करिकुलम डिज़ाइनर कह रहा है, स्टार्ट द प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर होम द करिकुलम इज़ टू बी डिज़ाइन। मतलब कि टीचर पहले तो नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा कि बच्चों की नीड क्या है, बच्चे क्या चाहते हैं, किस किस्म का करिकुलम होना चाहिए, तो हम फिर उसी तरह से उनके लिए करिकुलम डिज़ाइन करें। नंबर टू है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर द टीचर हैज़ आइडेंटिफाई नीड्स, जब टीचर ने आइडेंटिफाई कर लिया नीड्स को, डेट रिक्वायर अटेंशन, जिसके लिए अटेंशन की ज़रूरत है, ही स्पेसिफाइज ऑब्जेक्टिव्स टू बी अकम्पलिश। तो उसने स्पेसिफाई कर दिया ऑब्जेक्टिव्स को कि अब मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरा मकसद ये है, मैं इन मकसद को अचीव करना चाहती हूँ, इस पर्पज़ के लिए हम करिकुलम जो है वो डिज़ाइन करेंगे। देन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है, वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड और क्रिएटेड सजेस्ट द सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट ऑफ द करिकुलम। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सिलेक्ट किए गए, उसकी बेस पे आपने सब्जेक्ट मैटर सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप ये देखो कि जो आपके पर्पजेज़ थे, जो आपके ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, आपका कंटेंट भी उससे मैच होना चाहिए। ये ना हो आपका पर्पज़ कोई और हो मगर आपने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया कुछ और तरह से, तो फिर ख़राब हो जाएगा, फिर करिकुलम डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी ठीक तरह से। तो जो फोर पॉइंट है ना, वो जो कंटेंट सेलेक्ट किया है, अब आपने इसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सेट करेंगे उसको, ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और क्रोनोलॉजी कल ऑर्डर उसका हम फॉलो करते हैं, कि उसको आसान से मुश्किल की तरफ हम लेके जाते हैं। इस तरह से आपने ऑर्गेनाइज करना है बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग। अब टीचर कैन नॉट जस्ट सेलेक्ट द कंटेंट बट मस्ट ऑर्गेनाइज इन सम टाइप ऑफ सीक्वेंस। उसको उसको सीक्वेंस में लेके आना होता है, टेकिंग लर्नर्स मेचोरिटी इनटू कंसीडरेशन। वो क्या करता है, बच्चों की मेचोरिटी को अपने माइंड में रखता है कि बच्चों का लेवल क्या है, किस तरह से वो कौन से कंसेप्ट को पहले लर्न कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर लर्नर्स एकेडमिक अचीवमेंट एंड इट्स एंड देयर इंटरेस्ट, ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं कंटेंट को। जब आपने कंटेंट ऑर्गेनाइज कर लिया, देन आता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो कंटेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स एंड दे मस्ट इंगेज द कंटेंट। अब आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस मतलब कि हाउ द कंटेंट इज़ डिलीवर टू द स्टूडेंट्स, कि वो कंटेंट बच्चों को किस तरह से डिलीवर किया जा रहा है, आपने ये बताना होता है। तो यहाँ पर टीचर सेलेक्ट करते हैं इंस्ट्रक्शनल मैथड,
कि वो सारा कंटेंट किस तरह से किस वे में बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, आप उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, आपकी टेक्निक्स क्या होंगी कि एक मुश्किल कॉन्सेप्ट भी आसान हो जाए। दैट विल इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स विद द कॉन्टेंट, जो कि बच्चों को कॉन्टेंट में इन्वॉल्व करेगा। दैन द सिक्स पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसिस। आपने मेथड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने उसको सेट करना है। अ कॉन्टेंट मस्ट बी सिक्वेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड द लर्निंग एक्टिविटीज़ टू। फिर आपने लर्निंग एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज़ करना है कि बच्चों की लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी, स्टूडेंट्स की तरफ से क्या एक्टिविटीज़ होंगी। आपने अपनी एक्टिविटीज़ तो बता दी, लेकिन अब हमने देखना है कि स्टूडेंट्स की तरफ से क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या क्या इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी है, क्या क्या होना चाहिए उसमें स्टूडेंट्स की तरफ से। लास्ट स्टेप देखें, लास्ट है इवेल्यूएशन एंड मीन्स ऑफ वैल्यूएशन, कि आपने इवेल्यूएशन करनी है उस सारे प्रोसेस की और किस जरिए से करनी है। अब करिकुलम प्लानर मस्ट डिटरमिन जस्ट व्हाट ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अकम्प्लिश्ड, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स उनके अचीव हो गए हैं, जो पर्पस था क्या वो अचीव हो गया। और उसके लिए एवेल्यूएशन प्रोसीजर्स नीड टू बी कंसीडर्ड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट। जो एवेल्यूएशन प्रोसीजर्स हैं उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एवेल्यूएट करते हैं तो पता चलता है ना कि कहाँ कहाँ लैकिंग थी, कहाँ कहाँ अच्छा काम हुआ, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड की गई, किसका फ़ायदा हुआ, ये सब चीज़ें। और एवेल्यूएशन के जरिए क्या है वो हम देखते हैं कि दो तरह से एवेल्यूएशन होती है, एक तो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होती है, एक समेटिव एवेल्यूएशन होती है। फॉर्मेटिव वो होती है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, मींस कि आप साइड बाय साइड असेस करते जाते हैं सिचुएशंस को। लेकिन जो समेटिव है दैट्स कम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, किसी भी टर्म के प्रोग्राम के एंड पे होती है। बस टाइलर्स रैशनल लीनियर अप्रोच, वो कौन सी थी अप्रोच, वहाँ पर उसने ग्रास रूट अप्रोच यूज़ की हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है टाइलर्स मॉडल में लीनियर अप्रोच यूज़ की है। टाइलर्स रैशनल रिवॉल्व्स अराउंड फोर सेंट्रल क्वेश्चंस। आप जो टाइलर फोर सेंट्रल क्वेश्चंस हैं इसमें, दे नीड बी आंसर्ड इफ़ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज टू प्रोसीड द स्टेजेस। अब उन क्वेश्चंस के हमें आंसर जो है प्रोवाइड करने की जरूरत होती है जब उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट होनी होती है उस वक्त, उसके पहले ये चार क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर करना ज़रूरी है। सो द फर्स्ट वन इज़ द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, जैसे वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे लेकिन उससे पहले नीड्स को फोकस किया गया था। फिर लर्निंग एक्सपीरियंसिस एंड कॉन्टेंट, बातें वही हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने उसको पॉइंट उसके कम कर दिए, वहाँ पे उसके पॉइंट ज़्यादा किए हुए थे। फिर ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसिस एंड कॉन्टेंट देन एवेल्यूएशन, ये हैं इसके बेसिक फोर पॉइंट्स भी कह लें, क्वेश्चंस कह लें, जिनको करिकुलम डेवलपमेंट में कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे देखें ना कि यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव्स पहले सेट कर लिए, वहाँ पे हमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस को पहले अपने कंटेंट सेलेक्ट किया था, फिर उसे ऑर्गेनाइज़ किया था, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट किया, देन उसे ऑर्गेनाइज़ किया, आफ्टर डैट आपने एवेल्यूएशन की। अब वो अगर तीन पॉइंट हम इसमें डालते हैं तो वो भी फिर ये सेवन ही बन जाते हैं, बस उसने थोड़ा शॉर्ट करके इनको इकट्ठा कर दिया। तो दीज आर द पॉइंट्स ना।